मैंने देखा शोए मलिक कोई इंटरव्यू दे रहे थे डिजिटल किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और उन्होंने कहा कि जी मैं जब <coughs> पाकिस्तान के लिए खेलता हूं तो मुझे यूँ फील कराया जाता है कि जैसे कि मैं कोई बड़ा ही यू you नो know, मेरे ऊपर बड़ा बोझ डाल दिया जाता है लेकिन जब मैं दूसरी लीगस में खेलता हूँ तो बाहर के कोचेज़ को एग्जैक्टली exactly पता है कि मुझसे परफॉर्मेंस कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है उनको पता है कि मेरी फिटनेस नहीं है उस लेवल की तो मैं लेकिन वो फिर भी मुझे दे नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ मी बट डू थिंक दैर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन प्लेयर्स एंड द मैनेजमेंट इन पाकिस्तान पाकिस्तानी पहलेक्सट्रैक्ट कर लेते हैं परफॉर्मेंस हमारे नहीं कर पाते लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल नहीं कर सकते वहाँ पे जो बॉलिंग आपको मिलती है और वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट है और दूसरा ये है कि अभी तक वो खेले नहीं है इतनी क्रिकेट दो तीन मैच खेलते हैं फिर वो साइड फिर आ, अगली सीरीज़ आ जाती है तो यहाँ पे लीग्स में लंबी अपॉर्चुनिटी है खेलते हैं आप उसके बाद कहीं ना कहीं आप परफॉर्म करते हैं कभी भी मुझे नहीं लगता जब मैं भी था तो उनकी गेम के हवाले से बैटिंग के हवाले से वी सेड नथिंग टू हिम बिकॉज़ वी नो कि उसका जो एबिलिटी है वो जैसी गेम जिस तरह वो खेलता है इसी तरह ही हमें चाहिए वो हाँ फ़िटनेस के हवाले से ज़रूर बात होती है और वो भी कभी ये नहीं कहा कि भाई आप सिक्स पैक बना के आ जाओ दर इज़ ऑलवेज बेसिक नीड ऑफ फिटनेस कि आप इस इतने हों कि एटलीस्ट जो आप ट्वेंटी ओवर का फॉर्मेट आपने खेलना है ये नहीं कि आप लीन हो जाओ नहीं एटलीस्ट आप अपनी गेम के लिए फ़िटनेस है वो इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि आप वहाँ परफॉर्म कर सकें अनफॉर्चुनेटली सके। नहीं कर सके जिसका हमें भी दुख है इस चीज़ का क्योंकि मैं अभी भी समझता हूँ कि नंबर पाँच या छः पे जो रिक्वायरमेंट है टी ट्वेंटी क्रिकेट की उस पर ही स्टिल वन ऑफ द बेस्ट जो पाकिस्तान में हैं लड़के जितने भी अवेलेबल बेस्ट विशेज़ है मेरी अल्लाह करे वो आगे करे बट ही नीड्स टू बी बताता right, uh, तो हूँ हुआ ये कि जब मैंने उसको कॉल किया दो माह पहले जब वो सिलेक्ट हुआ डेढ़ माह पहले जब मैं टीम डायरेक्टर बना और मैंने उनको बताया कि देखें आपकी फिटनेस जहाँ पर भी खड़ी है वी विल कॉम्प्रोमाइज वन थिंग जब आप हमारे पास आएँगे आप वहाँ से लेके इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ये नहीं हो सकता कि मैंने मेहनत नहीं करनी है आप देखिए बॉडी शेमिंग किसी का भी करना वो गलत है आई टोटली अगेंस्ट इट पतला या मोटा होना इज़ नॉट एन इशू टू मी लेकिन जो गेम की ज़रूरत है आपने उसके मुताबिक अपनी कोशिश करनी है आपने उसके ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना तो जब आपको बताया गया कि आपने इस लेवल के ऊपर अपनी फिटनेस को लाने की कोशिश करनी है और आपको तमाम प्लान्स को साथ मैंने कनेक्ट करवा दिया लेकिन उसके बाद बावजूद जब आप मेरे पास आते हैं जहाँ पे खड़े थे वहीं पे मौजूद हैं तो दैट इज़ नॉट राइट कि आपको छः वीक मिले और आपने अपनी मेहनत कर की होगी लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रही और रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रही right. मोटा होना पतला होना इज नॉट एन इशू लेकिन फिट होना तो क्रिकेट की जरूरत है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकेगा हाँ मैंने उनको ये कहा था कि आपके स्किल्स जो है वी रिस्पेक्ट दैट और इसीलिए आप टीम में आए हैं hmm. लेकिन आपने रिस्पॉन्स करना है विद योर फिटनेस बिकॉज यू आर द ओनली वन जो इस वक्त फिटनेस के ऊपर हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ योर 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 टैलेंट कि हम चाहते हैं कि आपके क्रिकेटिंग टैलेंट को बैक किया जाए और आप भी मेहनत करें और डे बाय डे हर दो वी हर दो महीने के बाद आपकी जो ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट है वो आनी चाहिए टुवर्ड्स दैट पॉइंट जहाँ पे आप इस टीम की एग्जिस्टिंग जो इन्वामेंट है स्टैंडर्ड के फ़िटनेस के उसको आप मीट करें लेकिन अगर वो रिस्पॉन्स नहीं वो दे रहे तो यहाँ पे उनको मेहनत करने की जरूरत है और दूसरा जो इंटरनेशनल और लोकल कोचेस की वो बात कर रहे हैं कि जब मैं इंटरनेशनल खेलता हूँ या मैं इंटरनेशनल लीग खेलता हूँ तो मुझे शायद कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता आई प्रोमिस यू वन थिंग दैट आई गिवन हम ऑल द कॉन्फिडेंस उसको पूरे तरीके से उसको लुकआफ्टर किया गया right. उसको पूरी क्लैरिटी दी गई mm -hmm. उसके बाद अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके तो मैंने फिर उनको कहा था कि यू डोंट वरी अबाउट इट आई विल लुक आफ्टर यू इन अ बेस्ट पॉसिबल वे आप कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे होता यह है जो लीग है वो आपको चार प्लेयरों को पिक करती है और चारों ने खेलना होता है राइट वो आपको दस के दस चांस देती है इंटरनेशनल क्रिकेट इज डिफरेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में हज़ारों लाखों बच्चे या प्लेयर जो परफॉर्म करके बैठे होते हैं फर्क है तो 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 आप नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे जो प्लेयर की डेवलपमेंट में उसको समझ आनी चाहिए वहां पे आपको हर हाल में आपने पांच मैचों में फेल भी हो गए तो आपको छठा भी खिला दिया जाएगा क्योंकि वो आपको उन्होंने पिक किया है चार प्लेयरों को किया है पैसे दिए उसके ठीक है यहाँ पे क्या है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो हजारों लड़के परफॉर्मेंस करके इस एक स्पॉट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ का इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का जो स्टैंडर्ड है या उसके ऊपर रह के उस एक्सपेक्टेशन को मीट करने का जो प्रेशर है वो डील करना इज इम्पोर्टेंट थिंग स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं मैं तीन या चार की एवरेज से अगर मैं खेलूंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा right. मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा कंसिस्टेंट लेवल पे यहाँ पे जितने भी अभी अभी वसीम भाई नहीं है हम तीनों बैठे हुए हैं हमने कंपीट किया हजारों लड़कों के साथ क्योंकि हमसे अच्छे वो भी थे right. लेकिन हमने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जाके वहां पर कंपीट किया आठ आठ दफा छह छह सात सात आठ आठ हमने दिस इज डिफरेंट अप्रोच के जी मैं जब लीक

जैसे दोनों ने बात की उसकी क्रिकेट की एबिलिटी का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आई फील के ही हैज़ अ टेम्परमेंट टू परफॉर्म एट इंटरनेशनल लेवल लेकिन एक चीज़ मैं उसको भी मश्रा दूंगा कि सॉफ्ट कॉर्नर्स आप इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं ढूंढ सकते हुए ट्राइज टू डू दैट उसका करियर बहुत छोटा रहा है हमेशा या इन आउट ही रहा है आई थिंक You have to face it, के जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप पी एस एल का ही अगर मिसाल ले लें ले, तो फैंस डिड है, फैं है, कोई, कोई कोई तो हाँ, है तो सारे सिर्फ आप पे नहीं हो रही कप्तान पे भी हो रही है तो एट स्टेक चीजेंटिव दिया अपने इंटरव्यू में बोला